भगवान श्री कृष्ण का महिलाओं के प्रति विशेष अनुराग था और महिलाएं भी उनके प्रति विशेष अनुराग रखती थीं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला यह है कि वे महिलाओं की संवेदना और उनकी भावनाओं को समझते थे। दूसरा यह कि वे उनका विशेष सम्मान करते थे। तीसरा यह कि उनकी रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते थे। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का धर्म महिलाओं का ही धर्म है। श्री कृष्ण के माध्यम से हजारों महिलाओं को मोक्ष मिला था। श्री कृष्ण की महिलाओं ने जीवन भर सहायता की और श्री कृष्ण ने भी उनकी सहायता की थी। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त भी बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। भगवान श्री कृष्ण प्रेम विवाह को सम्मान देते थे। उन्होंने भी राधा रुक्मणी आदि महिलाओं से प्रेम किया था और उन सभी महिलाओं से ससम्मान विवाह कर उन्हें उनकी स्वतंत्रता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया था। यदि आज श्री कृष्ण होते तो जाति बंधन तोड़कर एक ओर जहां प्रेम विवाह को महत्व देते, वहीं वे महिला सम्मान, स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते। ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण प्रेम विवाह, महिला सम्मान और महिला अधिकार की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था।